हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की आपकी आंसर की यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई थी। और जब से आंसर की रिलीज हुई है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इसीलिए परेशान है कि यार अब पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जितने मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था, उतने मेरे यहाँ पर सही नहीं हुए, गलत ज़्यादा हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो उनका रो स्कोर काफ़ी जो रो स्कोर है उनका वो काफ़ी कम बन रहा है यहाँ पर। तो क्या उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? और बहुत सारे तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर अब तो मेरा पढ़ाई के अंदर से मन ही उठ गया बिल्कुल, मैं 2-3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ और अब मेरा पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, यानी कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ये इतने सारे डाउट्स आपके मन में जो आ रहे हैं ना, इनका क्या सोल्यूशन है? ठीक है, तो देखो मैं आपको एक आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको यहाँ पर एक सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। जब आप लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है, आप लोगों ने एंटर किया कि हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तब क्या आपने ये सोच कर आए थे कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तैयारी छोड़ दूंगा? या फिर आप ये सोच कर आए थे कि मैं 1 या 2 अटैम्प्ट दूंगा, उसके बाद अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो ठीक है, वरना मैं तैयारी छोड़ दूंगा? आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने के लिए इसलिए आए थे कि आपको यहाँ पर से एक जॉब लेके जानी है किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कि ज़रूरी क्यों है कि सरकारी नौकरी तैयारी करो, बिजनेस करो, वो करो, बहुत सारे काम है यहाँ पर। तो देखो, जिसके पास पैसा है ऑलरेडी यहाँ पर बैकअप है अच्छा खासा, और जो बिजनेस कर सकता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा ही नहीं पहली बात। और अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है, मुझे अपने फैमिली का नाम रोशन करना है और जो यहाँ पर जो ताने मिल रहे हैं फैमिली के, उन तानों को सभी को बंद करना है, तो इतनी जल्दी आप लोग हिम्मत हार गए तो इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। आपके हिम्मत हारने से क्या किस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको लग रहा है कि मैंने 2 साल तैयारी कर ली और अब मैं फेल हो गया, तो अब मैं आगे तैयारी नहीं करूँगा, ठीक है, और मैं यहीं पर सारा अपने जो जो मेरी डेस्टिनी है, जो मेरा ड्रीम है, उसको मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इससे किस पे फ़र्क पड़ जाएगा? आपको लग रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन फिर आपका कम हो जाएगा? आप जाओगे तो यहाँ पर 10 लोग और आएंगे अगले साल और वो आपसे पहले जॉब लेके चले जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जिसने भी एक बिल्कुल बोलते ना कि लगातार कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाई है, लगातार तैयारी करी है, सारे स्ट्रगल देखे हैं, फेलियर देखे हैं, रिश्तेदारों के ताने सुने हैं, ये इतने सारे जो स्ट्रगल आप लोग यहाँ से इनसे लड़के जो आगे निकल गया ना, वो सिलेक्शन लेके चला गया और जो इनके अंदर ही फंस कर रह गया वो वहीं पर रह गया। फिर वो उसको उसने जो अब तक जो पूरी मेहनत करी थी यहाँ पर 3-4 साल यहाँ पर, वो सारी मेहनत उनकी पानी फिर गया यहाँ पर। और मैंने देखा है कि आपको चाहे कितना ही मोटिवेट कर लो, बहुत सारे फिर भी यहाँ पर कुछ होते हैं ना कि नेगेटिव लोग होते ही हैं, जिनको कितना ही अच्छा समझा लो लेकिन उनके दिमाग से नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं। जैसे मैंने अभी एक सुबह ही एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि भाई जो आर्मी वाली कट ऑफ है यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा चेंज हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो कट ऑफ बिल्कुल गलत है या बेकार है, मैंने सिर्फ इतना कहा था आपसे कि आप लोग अपनी मेंस की तैयारी मत छोड़ना, ठीक है। हो सकता है कि आपके एक नंबर जो है उन्होंने जो कट ऑफ बताई है उसके जस्ट आसपास हो, तो ये मत सोचना कि उन्होंने कट ऑफ बता दी तो उसके आस बस वही कट ऑफ रहेगी, इससे नंबर कम रहे तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको मैंने CV का एग्जाम्पल भी दिया आपको मैंने, अब एग्जाम में चाहे वो कितने ही गुला स्टूडेंट बुलाए गए यहाँ पर, लेकिन कट ऑफ देख करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं यहाँ पर। इसलिए वही कहूँगा आपको, सभी पर ट्रस्ट करिए अच्छे टीचर पर, लेकिन बिल्कुल अंधे मत बनिए आप लोग। ये लाइफ आपकी है तो आपको इसमें स्ट्रगल करना है, आपको यहाँ पर जो भी है आपको देखना है यहाँ पर। तो वही कहूँगा जिसके कट ऑफ के जस्ट आसपास नंबर आ रहे हैं, जिस किसी के 132, 135, 36 के आसपास नंबर आ रहे हैं ना, जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेंस की तैयारी करते रहो। अगर आपका प्री मेंस सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेंस दोगे और आपकी तैयारी भी चलती रहेगी आपकी। और अगर गलती से आपका प्री नहीं निकलता है तो फिर आपको क्या करना है, आप लोग पढ़ तो रहे यहाँ पर, आप लोग जो मेंस में सिलेबस है आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK यहाँ पर, ठीक है, ये सब कुछ आपके काम आएगा CGL के अंदर, जो 2025 वाला एग्जाम होगा, CHSL के अंदर काम आएगा, MTS के अंदर आएगा, CPO के अंदर काम आएगा। और SSC तो मात्र SSC एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है, और एक साल में कम से कम 4-4 एग्जाम होते हैं आपके, 5-5 एग्जाम होते हैं आपके यहाँ पर, SSC GD हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL होगा, इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके, इसमें नहीं हो तो इसमें होगा, इसमें नहीं हो तो इसमें होगा, ठीक है। जो आप लोग ड्रीम लेकर आए थे वो ड्रीम लेकर आपको जाना है, उसको बीच में आपको नहीं छोड़ना है, मैं तो आपसे यही कहूँगा। मैंने खुद ने यहाँ पर 3-4 साल मैंने स्ट्रगल किया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन से मैं कई बार रुका हूँ यहाँ पर। और देखो जिसको लग रहा है कि मेरा बिल्कुल ही यहाँ पर स्कोर नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि यार कट ऑफ सर ने बताइए 140 के आसपास और मेरा स्कोर तो 115-120 ही आ रहा है, तो भी आपको हिम्मत नहीं हार रही है, ठीक है, आप लोग अपनी कंटिन्यू आप लोग तैयारी करते रहो जैसे आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर।
ये जो तैयारी है वो कहाँ काम आएगी। आपको पता है कि अभी एसएससी के अलावा भी आपको फॉर्म निकले हुए हैं, जैसे हम बात करते हैं रेलवे के अंदर, रेलवे एनटीपीसी के अंदर आपके जो 12th लेवल पर वैकेंसी निकली हुई है आपकी, और एक आपके ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो वैकेंसीज है आप लोग इनको फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर जॉब लेनी लेनी है, चाहे मुझे भारत की किसी भी स्टेट के अंदर मिले, तो फिर जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे मुंबई जोन के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है रेलवे की आपके एनटीपीसी के यहाँ पर, तो आप लोग वहाँ पर फॉर्म फिल करें। पहला टारगेट अपना होना चाहिए कि मुझे एक बार कैसे भी करके मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए। यहाँ पर हिम्मत हारने से या फिर निराश होने से कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर आपके निराश होने से खुश कौन होंगे, जो आपकी हार की उम्मीद लगा रहे थे कि हाँ इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर ये फेल हो और कब तैयारी छोड़े अपनी, ये वो आपसे ज़्यादा खुश होंगे यहाँ पर। तो आपकी उनकी बातों पर आपको खरा नहीं उतरना है, आपको अपने जो आपने जो ड्रीम लेकर आए थे उस ड्रीम को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए एटलीस्ट यहाँ पर। कोई बात नहीं, अगर आपका एसएससी सीजीएल प्री नहीं निकलता है, पेपर ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा आप लोग फेलियर दोगे ना, उतनी ही बड़ी आपको सक्सेस मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखना। जितने ज़्यादा फेलियर होंगे, सक्सेस भी आपकी उतनी ही बड़ी होगी। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था एमटीएस के अंदर, नहीं हुआ था रेलवे के अंदर। जो एनटीपीसी वाली वैकेंसी थी उसके अंदर आपके 5 लेवल हुए थे आपके, ठीक है, लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक आपके। मेरा सब कुछ प्री क्लियर था, मेंस क्लियर था, लेकिन फाइनल में जाके मैं सब में अटक गया, किसी में साइको में अटक गया, किसी में टाइपिंग में फेल हो गया, तो बहुत दुख हुआ था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, लगातार तैयारी करता रहा और मैं फाइनली सिलेक्शन ले लिया मैंने सिजिल के अंदर, जीएसटी इंस्पेक्टर पर हूँ आज मैं। तो अगर मैं भी आपकी तरह हिम्मत हार जाता तो शायद मैं आज इस जगह नहीं होता। तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि लाइफ में कभी भी आपको हिम्मत नहीं आनी है, जो ड्रीम लेकर आए वो ड्रीम लेकर ही जाना है आपको यहाँ पर, उसको बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे बिल्कुल मैं आपको सभी को रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर कॉल भी कर लूँगा, आपको वॉइस कॉल से भी आपको बात कर लूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ वैसे हूँ तो, यहाँ पर ठीक है सुनील धवन आप सर्च करोगे आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगा यहाँ पर। तो बस अपनी तैयारी करते रहो, तैयारी को आपको बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, चाहे नंबर कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं। और जिनका एसएससी में बिल्कुल मतलब नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे ना, उनको भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना अभी आपकी तैयारी है, मार्क्स आपके बहुत कम आए, हो सकता है कि आप जब नेक्स्ट अटैम्प्ट दो तो आपको डायरेक्टली आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाए। हो सकता है कि इस बार आपको मान लीजिए आपको टीए मिलने वाली थी, लेकिन अगली बार आप अटैम्प्ट दो पूरी बिल्कुल जी जान से, आप तैयारी करो अभी से, आप लोग प्री में जुट जाओ, आप लोग 2025 वाला जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी करो। ऐसा नहीं कि अब आपको बीच में गैप देना है कि नहीं अभी तो उसमें टाइम है काफ़ी है, अभी से उसमें आप लोग जुट जाइए और ये सोचिए कि 2025 के अंदर मेरा जो स्कोर होना चाहिए ना वो 170-180 होना चाहिए, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े, आपको यूट्यूब पर एक कट ऑफ वगैरह देखना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। बस आप पेपर देके यार आपको लग गया कि हाँ मेरा प्री क्लियर है, मेंस की तैयारी करनी है, बस खत्म खेल, इतना आपका स्कोर होना चाहिए। आपका परेशान कौन होता है, जो कट ऑफ के जस्ट आसपास रहता है। तो ऐसी आप लोग मुसीबत आने ही क्यों दें कि हम लोग कट ऑफ के आसपास रहे, पहले ही आपको नंबर इतने सोच के लाने हैं कि हमें देखना ही नहीं यूट्यूब पर कट ऑफ कितनी जाएगी, किसी पर ट्रस्ट करना ही नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी कितना ही बड़ा यूट्यूब चैनल हो, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। आपको आपको ये देखना है कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मेरा प्री निकल जाएगा, मेंस की फोकस करना है मुझे यहाँ पर। और नहीं निकल रहा है तो आपको ये रोना नहीं, रोना है आपको कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ वो करूँ, कुछ नहीं करना आपको। आपके नहीं आप सिलेक्शन तैयारी करना छोड़ दोगे तो किसी को कोई ऐसा तो होगा नहीं, किसी को नुकसान हो जाएगा आपसे। आप जाओगे 10 लोग आएंगे वो तैयारी करेंगे, वो सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। तो बस आपसे मैं फिर से ये विनती करूँगा, आप लोग तैयारी करते रहो, हिम्मत आपको हारनी नहीं है, ठीक है। अभी जिसका एसएससी बिगड़ चुका है वो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जुड़ जाओ भयंकर तरीके से। सीजीएल पे फोकस करना है, सीजीएल आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो एनटीपीसी वाला ऐसे उस एग्ज़ाम में इतनी औकात नहीं कि वो आप नहीं निकाल पाओ। आप लोग आप खुद सोचिए कि एनटीपीसी के अंदर तो मैथ, रीजनिंग और जीके आती है, ठीक है, और इससे सीजीएल से अच्छी भी नहीं आती मैथ रीजनिंग वहाँ पर आपके। तो आप खुद सोचिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लोगे ढंग से अच्छे से, तो आप एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम, छोटे मोटे एग्जाम तो आप लोग आराम से निकाल लोगे, जीडी के निकाल लोगे, एमटी से निकाल लोगे, सीएचएस से निकाल लोगे, इतने सारे आपके पास ऑप्शन है अभी आपके पास में, ठीक है। कई बार होता ना कि हम लोग यहाँ पर लगातार कुआं खोदते रहते हैं, पानी के लिए खोदते रहते हैं यहाँ पर, और जब लास्ट में पर पानी आने वाला होता है, निकलने वाला होता है पानी यहाँ पर, तब सोचते हैं कि यार तो थक गए, अब छोड़ो यार, क्या अब कहाँ पानी निकलेगा। आपने लास्ट पॉइंट पर अगर आप यहाँ पर एक फॉरवर्ड और लगाते हैं यहाँ पर उसमें, ठीक है, हो सकता था कि आपके वहाँ पर जो आप चूँकि पूरा जो ड्रीम था कि यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है, आपकी पूरी मेहनत आपका सफल हो जाती है यहाँ पर, लेकिन आपने उससे एक फावड़ा खोदने से पहले आपने छोड़ दिया उसको। फिर कोई नया बंदा आया, उसने यहाँ पर एक फावड़ा मारा और वो पूरा पूरा पानी लेकर चला गया यहाँ पर। तो ऐसा भी कई बार होता है यहाँ पर, हम सोचते हैं कि सफलता में मिलने वाली होती है, हम लोग जस्ट उससे एक कदम पहले हम लोग यहाँ पर हिम्मत हार जाते हैं। तो आपकी हिम्मत नहीं आनी है, आपको सिलेक्शन लेके जाना है, बस ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।